वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज है हमारा डे सेवन ही है ना, रिक्रिएशन विद राजवी, डे सेवन आज। तो आज मैं क्रिएट कर रही हूँ, एक पिंटरेस्ट से मैंने पिक देखी थी, आज नहीं देखी, बहुत टाइम से देखी हुई है। और मैंने कपड़ा भी आपको बहुत टाइम पहले दिखा रखा है, ये मैंने कपड़ा लिया था डोडा शॉप से बहुत टाइम पहले। चलो आपको पहले कपड़े दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा, पता चल गया। ये वाला कपड़ा, ये होजरी में कपड़ा है, स्ट्रेचेबल कपड़ा, आप देख सकते हैं। इतना ही बचा है अभी, जितना मैं आपको पीस दिखा रही हूँ सिर्फ इतना ही पीस बचा हुआ है। तो ये कपड़ा मैंने बहुत टाइम पहले दिखाया था, इसमें मैं तीन कलर लेके आई थी, एक स्काई सा जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मिल्क मेड मर्मर ड्रेस, यहाँ पे पिक होगी तो मेरे मोबाइल में तो पिक होगी तो मैं यहाँ पे दे दूंगी। ये वाली ड्रेस हमें बना चुके हैं, ठीक है, यही कपड़ा है, यही प्रिंट है, बस कलर अलग है। सेकंड जो है मेरे पास एक ब्लैक कलर के अंदर और है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्या बनाते हैं उसका। तो रेड वाली ये ड्रेस मैं कब से बनाना चाह रही थी, मेरे सामने पिक भी थी बिल्कुल सेम, उसके भी यही पहना हुआ है, बस उसका कपड़ा अलग है, उसका स्ट्रेचेबल कपड़ा नहीं है। तो वो पिक मैंने सेव स्क्रीनशॉट ले रखा था, सेव कर रखी थी लाइक, तो तब से पड़ी है। तो मैं सोची बनाती हूँ, क्योंकि एक ड्रेस पहले निकल गई ना तो सेम बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए तो फाइनली मैंने कहा चलो अब आ गया टाइम इसको बनाते हैं। तो वो पिक है ये मॉडल की पिक, आप देख सकते हैं ये वाली मॉडल की पिक। अब आप इसके साथ देखिए कपड़ा, ये वाला कर रहा ना मैच उसका और इसका कितना, मतलब फिर भी कुछ हद तक तो कर ही रहा मैच। तो ये मॉडल की पिक देखिए, ड्रेस बिल्कुल सेम है जैसे पहले वाली बनाई थी, अपर पार्ट बिल्कुल सेम है लेकिन इसका लोअर पार्ट काफी अलग है, बहुत ही अलग है, अलग ही नहीं है। उसका तो ओरिजिनल कट था, इसका स्लिट है, साइड स्लिट, तो मुझे काफी अच्छी लगी ये ड्रेस। एंड ऐसे ड्रेसेस, ऐसे प्रिंट्स के अंदर ना ये ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगती है बनी हुई, तो मैंने कहा चलो हम इसको बनाते हैं। बाय द वे आप लोग बोलते रहते हो कटिंग स्टिचिंग की वीडियो नहीं देते वेस्टर्न ड्रेसेस की, यस कुछ ड्रेसेस ऐसी होती है जिनका मुझे नहीं लगता कि देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी कंपटीशन इतना बढ़ गया ना, इंस्टाग्राम पे भी मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मुझे होता है कि आए दिन नई वीडियो में डाल सकूं, पर मैं डाल नहीं पाती बिकॉज ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब पे पहले डालनी होती है, यूट्यूब की जो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, कटिंग स्टिचिंग आसान नहीं है, कटिंग स्टिचिंग की वीडियो बनाना नॉर्मल किसी एक पार्ट की बनाना अलग बात होता है, पूरे सूट की बनाना है, पूरी ड्रेस की बनाना कटिंग स्टिचिंग बहुत हार्ड हो जाता है। इस वजह से कुछ चीजें मैं छोड़ देती हूँ, अभी नेक्स्ट जो इसके बाद बनाऊंगी उसकी कटिंग स्टिचिंग नहीं आएगी, वो रिक्रिएशन मेरे दिमाग में है, बट वो आगे आप मैं उसकी रिक्रिएशन की वीडियो बनाऊंगी, स्केच आउटफिट है जैसे हम बनाते हैं, बात करती हूँ, बताऊंगी सब कुछ, बट उसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो नहीं बनाऊंगी। अगर उसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो बनाने के लिए कुछ दो दिन चाहिए, कुछ नया है उसके अंदर जो मैंने कभी बनाया नहीं, तो मुझे बना लूंगी मैं, स्टिच कर लूंगी, बना लूंगी, लेकिन उसको रिकॉर्ड करने के लिए दो दिन चाहिए, क्योंकि कई बार हमें एक होता ना फ्लो में बैठे हो अपने मशीन के ऊपर, बनाते जा रहे हो, कभी ये अटैच कर दिया, कभी ये स्टिच कर दिया, एक होता कि मशीन क्या, एक होता है कि आपको अच्छा ये भी कैमरे में दिखाना है, रुक ये स्टिच नहीं करना, भी रुक कैमरे में दिखाना है, बताना है, तो वो थोड़ा टाइम लगता है चीजों के अंदर। तो इसलिए ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि उसकी वीडियो कहाँ पे है, जो दीपिका पाडुकोन की बनाई है, रेड ड्रेस पहले मैंने बनाई है, रेड ड्रेस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से कि रस डिटेलिंग करनी है, वो मैंने बता दिया कैसे आपको करना है, जिनको स्टिचिंग आती है वो तो समझ गए, खैर बिगनर्स का मैं नहीं कह सकती, लेकिन जिनको स्टिचिंग आती है वो तो समझ गए थे। तो इसलिए इसकी कटिंग स्टिचिंग तो है लेकिन नेक्स्ट रिक्रिएशन कटिंग स्टिचिंग नहीं होगी। तो अभी हम बात करते हैं इसकी। तो ये कपड़ा मैंने 1.5 मीटर लिया था, यहीं से लिया था, 200 रुपए मुझे कॉस्ट किया था उस टाइम पे, ठीक है। तो इसमें मेरे तीन कलर है, दो मैं एक बना चुकी हूँ, दो अभी ये है, मतलब एक बन जाएगा एक और। तो इसको मैंने कट किया जैसे मेरे पास पैटर्न थे पुराने, आपको ध्यान है मैंने मिल्क मेड पैटर्न मेरे बनाए थे, कटिंग दे थे उसी ड्रेस के, तो वो पैटर्न मेरे काफी काम आया एंड मुझे बिल्कुल भी इंचड़े उठाना नहीं पड़ा। तो मैंने उस पैटर्न को देख के ही सारी ऐसे इसके पार्ट्स वगैरह कट करके रखे, जैसे ऐसे अपर पार्ट स्लीव्स वगैरह ना, इलास्टिक भी जैसे इसमें डलती है वैसे इसके अंदर सब चीजें मैंने वैसे की, जैसे अपर पार्ट रेडी हो गया, इसका जो बॉटम है ना वो साइड स्लिट वाला था, एंड वो चलो मैं आपको आगे बताऊंगा उसका कंप्लीटली, ठीक है, बस साइड स्लिट वाला था तो उसको अलग से कट करना था। बाय द कंप्लीट वीडियो बनी है कटिंग स्टिचिंग की, वो आप चेक कर लेना, बस और तो कुछ खास है नहीं इसमें। एक कॉस्ट मैंने बता दी, होजरी कपड़ा है, होजरी बता रही हूँ अभी मैं, होजरी कपड़ा है, 200 रुपीज कॉस्ट किया मुझे, 1.5 मीटर इसका पहना बहुत ज्यादा होता है, इसकी विड्थ बोलते हैं 1.5 मीटर से भी ज्यादा कि इसकी विड्थ है काफी, मतलब एक ही 1.5 मीटर के अंदर दो ड्रेसेस आराम से बन सकते हैं लंबे वाली अच्छे से अच्छी खासी, क्योंकि इसमें विड्थ काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगे वो जो आप पूछ रहे हैं हिमांशु खुराना वाला कपड़ा, मुझे पता था उस कपड़े का नाम लेकिन जब मैं ले आई घर पे मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, हालांकि शॉपकीपर को पूछ सकती थी फोन करके, मैंने पूछा ही नहीं, बट मैं आपको बताती हूँ वो एक जैसे बॉटम बनती है जिनसे सलवार बनती है, जाम कॉटन तो नहीं कहेंगे उसको लेकिन काइंड ऑफ है लाइक हल्का फुल्का है उसका जाम कॉटन का, तो प्योर कॉटन नहीं है, उसकी सलवारें बनती हैं सरदारों में, वो लड़कियां मतलब सरदारों में लेडीज वहां पे सलवारें बनाती है उसकी, तो वो कपड़ा है वो, ठीक है। अब मैं बता नहीं सकती, नाम नहीं बता सकती, कभी मैं वापस शॉप पे गई ना, अभी जाना ही है मुझे कुछ लेने जाना है, तो मैं शॉप पे गई तो मैं उस कपड़े का नाम जरूर पूछूंगी, और नेक्स्ट कभी वीडियो के अंदर मैं बता दूंगी, इंस्टाग्राम पे भी बता दूंगी। एंड जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा वो भी इंस्टाग्राम पे प्लीज मुझे फॉलो कर लो, काफी अच्छा प्यार मिल रहा है इंस्टाग्राम से, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब से ज्यादा कहीं इंस्टाग्राम से अर्निंग ना होनी शुरू हो जाए मुझे, क्योंकि अभी मैंने कर दिया पेड कलेब शुरू, स्पॉन्सरशिप काफी अच्छी आ रही है, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन।
आप लोग थोड़ा कम प्यार दे रहे हो यूट्यूब पे, तो पता नहीं क्या ही हो गया, मतलब यूट्यूब जो वो वीडियो वायरल करता है वो सो गया, मुझे लगता है नींद की गोली लेके उसको उठाओ, कोई शॉर्ट्स वायरल नहीं जा रहा, कोई लेंथी वीडियो ऐसे नहीं जा रही वायरल, तो बट ठीक है चलो एक साइड पर रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। तो चलो हम ज्यादा बात नहीं करते, तो अभी ये ड्रेस काफी अच्छी बनी है, मुझे तो बिल्कुल सिमिलर लगी एंड मैं काफी पहनूंगी इस ड्रेस को डेफिनेटली। तो चलो अभी हम देख लेते हैं हमारा ये आउटफिट कैसे बना है, ट्रांजिशन के साथ करेंगे आज। तो 1 2 3 लेकिन जब यहां से जो नीचे का पार्ट आ जाता है इसका बॉटम, ये बिल्कुल अलग है, उसका और एक में कट था, इसका स्ट्रेट कट है, इसका साइड स्लिट है, उसमें कोई साइड स्लिट नहीं, उसके जस्ट ऐसे एज ए फ्रॉक की तरह था वो, ठीक है, जैसे ज्यादातर कैटरीना कैफ पहनती है वैसे ड्रेसेस। तो अभी हम बात करते हैं इस ड्रेस की, तो यहाँ से वैसे बस जो पैटर्न मैंने पहले कट किया था वही पैटर्न मैंने अब यूज किया है इसको कट करने के, वैसे मैंने पैटर्न कट करके गैदरिंग करके ये डोरी बनाई है मैंने, एंड यहाँ पे इलास्टिक लगी है, यहाँ इलास्टिक लगी है, यहाँ भी और यहाँ भी इलास्टिक लगी है। अभी जो मॉडल की पिक आप देखोगे, मैं थोड़ा कम करती हूँ, ठीक है, अभी जो आप मॉडल की पिक देखोगे उसके अंदर जो मॉडल के स्लीव पे डोरी लगी हुई है, यहाँ पे भी डोरी लगी, लंबी लंबी डोरी लटक रही है उसकी, मैंने क्यों नहीं लगाई, लगाने को कुछ नहीं था, यहाँ हम डोरी लगा सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है, बांध सकते हैं इसको, तो यहाँ भी हम डोरी लगा के बांध सकते हैं ना, मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ना ये जो डोरी है ये दूसरी वाली डोरी है, स्ट्रिप्स वाली, जैसे हम नाड़ा बनाते हैं लाइक वैसे वैसे वाली डोरी है, वो पतली वाली डोरी जो निकालते हैं वो नहीं है,
ठीक है। अगर मैं वो निकालती होजरी कपड़े में जब हम स्टिचिंग देते हैं ना, तो जब डोरी बन जाती है हम निकाल के टर्न सीधा कर लेते हैं और जब लगाते हैं, जब उसको बांधते हैं, ऑब्वियसली हम डोरी थोड़ी कसके बांधने की कोशिश करते हैं, तो जब बांधते हैं वो धागे टूट जाते हैं होजरी कपड़े के अंदर। ये रहता है होजरी कपड़े के अंदर ज्यादातर इंटरलॉक चलता है, जो इंटरलॉक हो जाता है अंदर से वो चलता होता है ज्यादातर। लेकिन इसलिए इस वजह से मैंने इसकी डोरियां नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पे मैं डोरियां बना लूँ फिर उसको जब बांधूंगी वो टूटेगी, बीच में से आधी टूटी फिर स्टिचिंग आई, फिर आधी टूटी फिर स्टिचिंग आई, तो वो गंदा लगता है। फिर कल को कहीं ड्रेस पहनूंगी फिर पहनने लायक नहीं रहती थी ड्रेस। अब ये ड्रेस ऐसी बन गई है कल को मैं कहीं भी पहन सकती हूँ, ठीक है। अब कोई ऐसा नहीं कि इधर से कोई कमी है, इधर से कोई कमी नहीं है। अगर मैं डोरी लगा देती तो कमी होती। ओके चलते हैं हम। अभी लोअर पे आपको लग रहा होगा कि यार थोड़ी सी यहाँ से टाइट है, है ना, मैं आपको बताती हूँ। हाँ लिटिल बिट टाइट है बिकॉज, क्योंकि जब हमारा ये यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ पे जो हमारा स्टिच आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम है। लेकिन जब हम यहाँ से कपड़ा कट करेंगे ए शेप में आएगा तो यहाँ से तो फिटिंग आएगी। अगर यहाँ पे फिटिंग नहीं लेनी आपको, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कपड़ा कट करोगे तो यहाँ से गैदरिंग आएगी फिर कपड़े की, क्योंकि कमर के बराबर तो हमें कपड़ा करना पड़ेगा बॉटम वाला जो पार्ट कट किया। इस वजह से मैंने ए शेप में कट किया है। तो जैसे कट किया यहाँ से जॉइंट हो गया, नीचे चलते के चलते के चलते के आप देख सकते हो नीचे स्लिट वहां से घुस होगा, क्योंकि ए शेप में जा रहा है। अगर ऊपर से मेरी यहाँ पे जो कमर है मेरी 14 इंच है, तो 14 से जाता 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 वो 20 हो गया नीचे जाके, इस तरीके से। एंड साइड स्लिट वाली ड्रेस मैंने पहली बनाई है, जो जानवी कपूर की बनाई थी ना वो यहां से था, मतलब ओपन था, उसका कोई साइड स्लिट नहीं था। लेकिन इसमें क्या है हमें कट करना पड़ा, तो यहाँ पे इसका वो आप कटिंग है, इसका स्टिचिंग का जो है कटिंग है स्टिचिंग ट्यूटोरियल मैंने शूट किया रखा है सिंपली जैसे उसका मॉडल का है, एंड यहाँ से फिटिंग ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये कंप्लीट ड्रेस है जो, एंड बैक पे जो मैंने लास्ट टाइम की तरह जिप नहीं लगाई, यहाँ पे जो आपको स्टिचिंग नजर आ रही है यहाँ पे चेन लगाते हैं ना फिटिंग के लिए, वो यहाँ तक लग रही थी, फिर यहाँ तक लगती, तो यहाँ से मैंने इसलिए लगाई बिकॉज ये होजरी कपड़ा है, होजरी कपड़े तो ऑटोमेटिक ही लूज है, जितना बढ़ाऊंगी उतना बढ़ेगा, कोई चक्कर नहीं है। तो इतना कोई डिफिकल्टी नहीं हुई मुझे पहनने के अंदर। अगर यहाँ पे कॉटन कपड़ा होता ना या कोई और कपड़ा होता जो ऐसे स्ट्रेच नहीं खाता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे जिप लगाती, ठीक है। एंड इसका पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, ऐसे लास्ट ड्रेस में हमने बनाया था इस तरीके से, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये थोड़ा ज्यादा सेक्सी लगता है, मतलब ऐसे थोड़ा वो लगता है, बट हाँ मतलब ठीक है, एक हमारे पास ऑप्शन है कि हमें कभी ऐसे इसे वियर करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, एंड वन स्लीव्स वन डाउन ऐसे भी कर सकते हैं, सब कुछ चलता है ना, एंड दोनों हम ऊपर कर सकते हैं, वो अपनी चॉइस है। ये हमारा नेक्स्ट वीकेशन था, आप लोग बताओ कि आप लोगों को ये आउटफिट कैसा लगा। आप लोग डिमांड कर रहे थे वेस्टर्न आउटफिट लेकर आओ, इंडियन आगे दो तीन लगातार तो वेस्टर्न, चलो ये आगे वेस्टर्न, इसकी कटिंग और स्टिचिंग दे दूंगी। बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, किसी भी कपड़े में कॉटन कपड़े में बना रहे हो ना, बस कितना ध्यान रखना पीछे चेन या जिप लगाना, अदरवाइज पहन ही नहीं जाएगी बिकॉज ये प्रॉपर फिटिंग के होते हैं, इसलिए ये तो होजरी कपड़ा है, तो जितना खोलेंगे खुलेगा, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। तो बस इतना ही था इस आउटफिट का। तो अगर आपको आउटफिट अच्छा लगता है, ये रिक्रिएशन आपको अच्छा लगता है, देन प्लीज रेड हार्ट कमेंट करना, रेड ड्रेस है। अगर अपनी तरफ से कोई भी कमेंट देना चाहते हो वो भी स्वीकार है मुझे। तो चलो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू सो मच, बाय बाय।